दिल्ली में जैसे जैसे एमसीडी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम में लगभग 15 साल से राज कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा में 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल कर दिल्ली में पानी, ट्रांसपोर्ट और बिजली लोगों को फ्री मुहैया करा रही है। आम आदमी पार्टी से जुड़े मुख्य नेता राजनीति में आने से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ चलने वाली सामाजिक संस्था के तौर पर काम करते थे। राजनीति में आने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की है और दिल्ली में सरकारी स्कूलों के मॉडल को काफी हद तक चेंज किया है। जहां अच्छी शिक्षा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में काफी मेहनत की है, वहीं एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी पर काफी गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इसी बीच नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 1 से आम आदमी पार्टी के भावी उम्मीदवार पंकज खत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए न सिर्फ बूथ की प्लानिंग की बल्कि किस तरह से एक साथ होकर पार्टी की छवि को जनता तक पहुंचाया जा सकता है, इस पर भी राय शुमारी की। आदमी पार्टी का संगठन मंत्री और जैसा कि अब आप सब जानते हैं कि आने वाले इसमें टाइम में नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें मैं भी कॉन्टेस्ट करना चाहता हूं। तो आज मैं आप लोगों से एक गेट टुगेदर इसलिए चाहता था कि अपने संगठन को एक तो मजबूत करें और मुझे आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। तो जो भी भाई नए हैं, जो नहीं जानते, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले टाइम में अगर मेरे को पार्टी मौका देती है तो आप लोग मेरा साथ दें और मेरे लायक जो भी सेवा हो आप लोग मेरे को बताएं। एमसीडी में भ्रष्टाचार चरम पर है। कई बार एमसीडी के कर्मचारी अपने ही विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी कर चुके हैं। आपको वह वक्त भी याद होगा जब टाइम पर सैलरी नहीं मिलने की वजह से दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आए थे। अब निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 1 की जनता का भी यही कहना है कि हमारे क्षेत्र में जो नालियां हैं वह साफ नहीं होती, गंदगी रहती है और नालियों का पानी सड़कों पर रहता है। लेकिन ऐसे में लगातार इस पूरे वार्ड के हर गांव व कॉलोनियों का यही हाल देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे एमसीडी इलेक्शन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही हर पार्टी के कार्यकर्ता टिकट की दौड़ में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ देखें तो एमसीडी के कामकाज से जनता काफी नाराज है, क्योंकि एमसीडी में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप तो लगते ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में कभी जनता की कोई सुध नहीं ली है। आज भले ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अपनी पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं कि हमने एमसीडी को बहुत अच्छे ढंग से चलाया है, लेकिन एमसीडी का भ्रष्टाचार और लापरवाह रवैया किसी से छिपा नहीं है। साफ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की छवि और एमसीडी का भ्रष्टाचार, जिसका पूरा फायदा निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे बताइए, आप मीटिंग में आए हो, आपने आज पार्टी ज्वाइन करी है आम आदमी पार्टी, ये क्या देखे आपने, क्या ऐसा लगा जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी थी? आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ किया है। सबसे पहले तो जो स्कूल की और हॉस्पिटल की पहले हालत थी और अब की सिचुएशन है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। और सबसे ज़्यादा कि स्टडी और हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और मेन यही है कि हमारी स्टडी और हॉस्पिटल जो स्वास्थ्य है उस पर वर्क करना चाहिए और आम पार्टी इसी पे वर्क कर रही है। इसलिए मैंने यही सोच के कि ये हमारे देश को आगे तरक्की की ओर ले जाए। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली है आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए? पार्टी तो और भी है दिल्ली के अंदर। हाँ, बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा ईमानदारी से वर्क यही कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।